इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन। यहां पर एक सर्किल है, ए पॉइंट पर इक्वल मासेस के दो बॉडीज हैं, एम एम मास की दो बॉडीज हैं, ये टू वी वेलास्टिस आती है, ये वी वेलास्टिस आती है, और यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि मास आइडेंटिकल है, देन देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ वेलास्टिस, यानी इधर वाला मास टू वी वेलास्टिस से मूव करेगा इस तरीके से, और यहाँ वाला मास वी वेलास्टिस से ऐसे मूव करेगा। इस सर्किल के तीन पार्ट इक्वल कर लीजिए, तो टू बी वाला मास है, ये टू बी वेलास्टी वाला ये मास, ये यहाँ से ऐसे चल करके सी पर पहुँचेगा, और ये वी वेलास्टी पा चुका है तो ये भी ये वन थर्ड चलेगा, और यहाँ इम्पैक्ट होगा। जब इम्पैक्ट होगा तो जो वी वेलास्टी से आके यहाँ टकराया था उसकी वेलास्टी हो जाएगी टू बी, और जिसकी टू बी थी वो की वी हो जाएगी, तो ये वी वाला तो वन थर्ड चलेगा, तो ये टू थर्ड चलेगा, तो यहाँ आके फिर इम्पैक्ट होगा। तो अब एक इम्पैक्ट आपका सी पर हुआ और दूसरा बी पर हुआ, अब इसके बाद फिर एक्सचेंज होगा, ये टू बी वेलास्टी आएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वी वेलास्टी आएगा तो ये भी यहाँ पहुँच जाएगा। तो ए के अलावा यानी इसके एक्सेप्ट देन ए कितने कोलिजन्स होंगे, तो बी और सी पर कोलिजन होंगे तो देयर विल बी टू कोलिजन, एक ए को शामिल ना करो तो टू कोलिजन्स होंगे, अगर ए को शामिल कर लोगे तो थ्री कोलिजन हो जाएंगे, लेकिन ए को नहीं क्वेश्चन में शामिल किया गया है तो देयर विल बी ओनली टू कोलिजन, वन एट बी एंड अदर एट सी। अच्छा सवाल, नीट का क्वेश्चन है, आ गया था कम्पिटिशन, हाउ मैनी कोलिजन देख करके पता लगाना था, लेकिन इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन का लगा कि आइडेंटिकल मासेज वेलास्टी का एक्सचेंज कर लेते हैं, ये टू बी से चलेगा ये बी से चलेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आइए, बढ़िया क्वेश्चन। ए बी सी थ्री आइडेंटिकल मासेज, ए वी वेलास्टी से मूव कर रहा है, मास एम है, और बी एंड सी दे आर कनेक्टेड विद ए स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग से जिसका फोर्स कांस्टेंट क्या है उससे अटैच कर दिया गया, और ये स्टेशनरी हैं। अब पहले ये आकर के एम से इसका कोलिजन होगा, ए बी से जब कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो ए स्टेशनरी हो जाएगा, अब बी मूव करेगा, बी मूव करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, इम्प्रेस कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, अब वो फोर्स सी को आगे ले चलेगा और बी को रोकेगा। ये बात बहुत ज़रूरी जानना, स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है वो सी को तो आगे बढ़ाता है और बी को रोकता है, कब तक ये चलेगा, जब तक कि दोनों की वेलोसिटीज बराबर नहीं हो जाएंगे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए तो वो वेलोसिटी वी डैश हो गई, इसकी भी वी डैश हो गई। अब क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आप लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, नाउ केस ऑफ कंजर्वेशन, एम बी इजकल टू एम बी डैश प्लस एम बी डैश, तो बी डैश इक्वल टू बी बाई टू, यानी अब दोनों मासेज वी बाई टू वेलास्टी से चलेंगे, एनर्जी निकालिए, एनर्जी कंजर्वेशन से के निकाल लीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर टोटल एनर्जी है, तो हाफ एम और वी बाई टू का स्क्वायर बी स्क्वायर बाई फोर, हाफ एम बी स्क्वायर बाई फोर, दूसरे का भी हाफ एम बी स्क्वायर बाई फोर, और बाकी एनर्जी किस में रहेगी, स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर,
इक्वेट कर दीजिए, और इक्वेट करने के बाद आपका ये आ जाएगा, ये आएगा एम बी स्क्वायर अपान फोर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपान फोर इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, टू कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसके x की वैल्यू होगी v अंडर रूट एम अपान टू के, ये आंसर होगा आपका v अंडर रूट एम अपान टू के, v अंडर रूट एम अपान टू के, ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है, मैक्सिमम कंप्रेशन।